मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित कमिश्नर आवास के नजदीक नाले में पड़ी युवक की बॉडी से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहां से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बॉडी को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिविल लाइन क्षेत्र स्थित कमिश्नर आवास के सामने से गुजर रहे लोगों के पैर उस समय ठिठक गए जब लोगों ने वहां एक युवक की लाश पड़ी देखी। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बॉडी को नाले से निकलवा कर उसकी पहचान कराने का काम शुरू कर दिया। मृतक युवक थाना नागफनी क्षेत्र के दौलतबाग निवासी राम प्रसाद के बेटे गोविंद के रूप में हुई। मौके पर पहुंचे मृतक रवि के पिता ने बताया कि उसका बेटा कल से लापता था और आज पुलिस ने उसकी पहचान करने के लिए बुलाया था। उन्हें नहीं पता था कि उसके बेटे की मौत कैसे हुई। सिविल लाइन पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और जांच में जुट गई। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। कौन है ये लड़का? ये कैसे पता चला आपको यहाँ पर? ये हुआ कि आदमी पहचान बताई कि आपका लड़का वहाँ पला हुआ है। इसे इस डिपार्टमेंट के सामने आए। इन दुकान की जो पूजा करता हूँ कथा करता हूँ मैं आज के बाद में कि मानने वाली अच्छी चीज है। आप कहाँ लेके जाएंगे? घर तक। कहाँ के जाने वाले हैं आप? बंगला गाँव। लड़का क्या कह के निकल जाता घर से? ये पता नहीं कुछ। अरे बंगलाओं में रहता हूँ, दौलतबाग में रहता हूँ। अरे बंगला हूँ सर। आप इसकी कोई सूचना पुलिस अधिकारी को दी है? नहीं, वो अधिकारी ने हमें कुछ बताया। तो आप इसे अब बॉडी को घर लेके जाएंगे या पोस्टमार्टम करवाएंगे? नहीं बाबू जी, मैंने कहा साढ़े पन में ले जाएंगे। हम पंचायतनामे में आ गए, ये गलती इसी की है।